तो बस मैं थैंक यू बोलूँगी कलीट को और डॉक्टर सुनोबा डॉक्टर सलमान का। मेरा नाम मिसेस मालिनी रिजवान है और मुझे ये प्रॉब्लम जो गठिया कहलाता है आर्थोआर्थराइटिस था। लगभग 20 इयर्स से मैं सर्वाइव कर रही थी और मेडिसिन पे ही चल रही थी। तो मैं मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो थी ना वो रिलैक्स नहीं रह पाती थी, कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर पाती थी और समझने शॉपिंग भी बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने, मैं चल ही नहीं पाती थी इतना। अब हम ढूंढते थे कि कहाँ कौन सा इसका बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है। मैंने इंडिया में लोगों को कांटेक्ट किया एंड उनसे एडवाइस ली कि भाई किस तरह कोई मेडिसिन भेजें या हम लोग जाना आना मुश्किल है कोई, इनफैक्ट अगर जाने का भी है वहाँ कोई अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिलता है तो हम इनको वहाँ भेजते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो इन्होंने मुझे बताया कि शी हैज़ गॉट सम न्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया फेसबुक कि भाई ये ब्लड के अंदर ये स्टेम सेल्स हैं और इसको ट्रीटमेंट किया जाता है एंड डॉक्टर सलमान इज डूइंग एंड इज थोड़ा सा इन्होंने ब्रीफ किया उनके बारे में। तो मैं तो वो माई सेल्फ आई वॉज वेरी अफ्रेड कि भाई यार ये ब्लड में पता नहीं क्या करेंगे, और जो मेरी नेचुरल फीलिंग्स थे सुनने के बाद कहेंगे नहीं भाई मैं कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, चलो दवा से चल लेंगे अभी चलने दो इन्हें, लेकिन कैसा ट्रीटमेंट होगा मैंने सुना नहीं है मैंने देखा नहीं है। फिर ये हुआ कि मेरा बड़ा बेटा इनके साथ आया एंड शी मेट डॉक्टर सनूबा। उन्होंने सारी बताई सारी बातें कि किस तरह से स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट देना देते हैं ये लोग ट्रीट करते हैं और किस तरह का क्या प्रोसेस होता है, डॉक्टर सलमान गिलानी हैं वो करते हैं ये सारा प्रोसेस। फिर उसके बाद मेरा प्रोसीजर हुआ। 10 डेज मैंने फील किया कि शी इज इम्प्रूविंग। सबसे अच्छी बात यह कि जो डॉक्टर सनोबर ने इनको इंस्ट्रक्शंस दी थी और जो बताया था कि आपने ऐसे रहना है ऐसे खाना है ऐसे पीना है, स्पेशली डाइट कैसे रखनी है अपनी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो इन्होंने मेंटेन रखी मिसेस ने मेरी, और उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हुई सब। अब लोगों ने देखना शुरू किया 10 डेज 15 डेज है मानी यू आर गोइंग गुड यार तुम्हारा तुम तो मूव कर रही हो, तो योर हैंड्स आर मूविंग, यू आर डूइंग इन किचन, यू आर गोइंग टू फॉर शॉपिंग एंड यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स गोइंग अप एंड डाउन। खैर इन्होंने मैं खाली 1 महीने बाद सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू किए, उसके बाद अभी मैं 2 डेज को अभी मैं आया मैंने ज्वाइन किया फैमिली, मैंने इनको देखा अरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मूवमेंट इनकी बॉडी मूवमेंट सारी चीज़ माशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग फैंटास्टिक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त समझ लिया मुझे लगभग 2 माह हो गए हैं, अब भी मैं प्रोसेस में हूँ, एक्सरसाइजेस मेरी चल रही हैं, फिजियोथेरेपी चल रही है और अब मैं कई बार मार्केट भी गई हूँ चली भी हूँ, लेकिन मेरे उस तरह का पेन अब नहीं है जैसा पहले था। तो बस मैं थैंक यू बोलूँगी कलीट को और डॉक्टर सुनोबा डॉक्टर सलमान का और